आपकी वजह से मेरी जो बदनामी हुई है उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? नहीं, मैं मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, ऑलवेज किंग, पर उसे किंग बनाता कौन है? प्रजा। अगर प्रजा नाखुश हो गई तो किंग को कभी भी किसी भी वक्त अपनी गद्दी से उतार फेंकेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने पढ़ी नहीं क्या? पर तरकास जी सर, तूने वो नोटिस सही पते पे ही भेजी थी ना? हाँ हाँ सर। देखिए खुराना जी, हम इसी बारे में बात करने के लिए आए थे। हमको बात को आगे नहीं बढ़ाना है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, चलिए नहीं जाएंगे। अब फिल्में तो देखती है ना? देखती होंगी, आपको पता है ना, फिल्में जब खूब चलती है, खूब पैसा बनाती है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, फिल्म हिट हो जाती है तो उसका पार्ट टू बनता है, सेकंड पार्ट। और हाँ छोटी मैडम जी, आपने भी जो फिल्म बनाई थी ना, उसे भी लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मुझे लगता है उसकी भी सीक्वल बननी चाहिए, है ना? मतलब ये कि आपको एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम लोकेशन, मतलब मेरे स्टोर के अंदर ही बनाएंगे हम। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, सुपर्ब, तो इसमें भी आप ही एक्टिंग करेंगे। हाँ बस वो राइटर डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे, मैं जो आपको स्क्रिप्ट दूंगा आपको वही बोलना है। और ये स्क्रिप्ट क्या होगी? ओए प्रकाश जी सर, को पर्ची दे भाई। हाँ हाँ जी मैडम, तो आप खुद ये पढ़ेंगे या मैं सुनाऊं? चलिए मैं ही सुना देता हूं। मैं वंदना वागले आप सबसे माफी मांगती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने स्टोर के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सरासर झूठ था। मैंने वो सब पब्लिसिटी के लिए किया था। मैं चाहती थी कि वो वीडियो वायरल हो जाए, घर घर तक पहुंचे और मैं लोगों की नजर में आऊं। What nonsense? उसी बहाने मेरा छोटा सा केटरिंग का बिजनेस चल पड़ेगा। स्टोर का स्टाफ बहुत ही अच्छा और तमीजदार है। ये क्या बकवास कह रहे हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, अभी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई है, आगे हमारी तारीफ बाकी है। और इस स्टोर के मालिक मिस्टर खुराना को भगवान समान। देखिए एक मिनट मिस्टर खुराना, मैंने वीडियो में जो कुछ भी कहा था ना वो सच था। तो मैडम सच तो ये भी है कि मैंने आपको एक लीगल नोटिस भेजा है, और सच ये भी है कि मेरे पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, और सच ये भी है कि अगर आपने एप्लोजी वाला वीडियो नहीं बनाया तो मैं आपको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। ये 20 रुपए के चक्कर में मैंने आपसे 20 लाख रुपया वसूल करूंगा, मानहानि का दावा करके। और मैडम ये सच झूठ में क्या रखा है ना सर? अगर आप ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेंगे तो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद होगा। अगर आपने ये वीडियो बना लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आपको झूठा बोलेंगे, ताने मारेंगे, दैट्स इट, राइट सर? और मैडम जिस झूठ से किसी का घर बसता है ना, वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना सर? एक दिन, जस्ट वन डे, एक दिन में सोच लीजिए कि आपको लोगों के ताने खाने हैं या कोर्ट के धक्के खाने हैं। सखी काम डाउन। क्या काम डाउन मम्मा? मन कर रहा है कि जोर से चिल्लाऊं और उस खुराना को सबक सिखाऊं। ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है वो हमें? क्योंकि उसके पास पावर है, पोजीशन है। और परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पास पावर क्या कम है? हमें सब पता है वन्ना बहन, आप अपने आप को अकेली मत समझिए, हम आपके साथ हैं। और केवल हम ही नहीं बल्कि कानून भी आपके साथ है वन्ना भाभी। वो खुराना चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो,
पर कॉमन मैन के पावर के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन के पास होते हैं कुछ अधिकार। आप लोगों को कंज्यूमर कोर्ट के बारे में तो पता ही होगा ना वन्ना भाभी, हर ग्राहक के पास कुछ अधिकार होते हैं। कंज्यूमर कोर्ट की मदद से आपको इंसाफ मिल सकता है। रघु भाई, आपका कहने का मतलब है कि मैं कोर्ट जाऊं और उस खुराना के साथ लड़ूं? यस वन्ना भाभी, आप लड़ सकती हैं और जीत भी सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक होनहार वकील है। कहाँ है? कहाँ है दक्कू अंकल? सखी, तुम्हारे सामने एक हैंडसम, डैशिंग, ऑसम वकील बैठा है और तुम पूछ रही हो कहाँ है? हाँ दक्कू भाई, आप मानती हो बहुत ही हैंडसम वकील हैं, लेकिन इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, यही ना? वरना भाभी, हर ग्राहक यही सोचता है और दुकानदार के जुम्मे सहता रहता है। उसे लगता है कि ये कानून की राह बहुत ही कठिन है, कांटों से भरी है, जबकि सच बात ये है वन्ना भाभी कि कानून की राह सबसे आसान है। एक मीडियम, मेरी स्पीच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कमिंग बैक टू द केस, वन्ना भाभी, हम नोटिस का जवाब नोटिस से देंगे। अरे वो खुराना हम पर क्या मानहानि का केस करेगा, हम खुद उस पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस करेंगे। यम, अब बजा ताली। थैंक यू। वन्ना भाभी, मैं नोटिस टाइप करके लाया हूं, एक सेकेंड, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। मम्मा, दक्कू अंकल सही कह रहे हैं, साइन करो। हाँ वन्ना बहन, साइन कर दीजिए। वन्ना भाभी, आप अपोलोजी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना, तो प्लीज साइन कीजिए। इतना क्या सोच रही हो वंदु, हर बदलाव की शुरुआत अपने घर से ही होती है, कर दो साइन। ये हुई ना बात, वरना भाभी अब देखना, उस खुराना की हम कोर्ट में ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, तुमने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट 2022 का ही मंगा है? आपने 2022 का ही मंगाने को कहा था ना? 2022 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ओहो, अभी के अभी ईमेल से स्टेटमेंट मंगाओ। और सुनो, साथ में एफएनओ का जो ट्रांजैक्शन है उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए। हाँ? और सुन, एक काम करो, अपना पासबुक दो। क्या काका, अभी पासबुक ये जमाने में कौन भरवाता है? अरे भरवाया करो। अरे पासबुक होता तो अभी काम चल जाता ना मेरा, ये रुका हुआ काम है जनवरी टू मार्च। हे राम जी, ये पूरे घर में इतने कागज पड़े, ये चाय नाश्ता कहाँ रखो? हमारा घर तो आज वो किसी सरकारी दफ्तर के बंद कमरे से कम नहीं लग रहा है। ये सब उस झालर दक्कू के कारण हुआ है, उसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे उसे छुटकारा। वैसे श्रीनिवास अंकल, ये जो हर्षद कह रहे हैं ना सर्टिफिकेट, वो मिलने में कितना वक्त लगता है? हाँ, मान के चलो 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। क्या के? मर गए, वक्त लग गए। अरे क्या काका, इधर मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रहे? मैं मजाक कर रहा था यार, आजकल पहले जमाने की तरह इतना देर नहीं लगता, आजकल सब यूं तुरंत हो जाता है। ये देखो, तुम्हें इनकम टैक्स साइट दिखा रहा हूँ। ये देखो इनकम टैक्स साइट, अपने डॉक्यूमेंट तुरंत सबमिट करो, तुम्हारा सर्टिफिकेट यूं कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। अरे वाह, ये कितना आसान है तो। हाँ, कुछ पता चलता है तेरे को अंदर? नहीं, मतलब अंकल ऐसे अपने सारे ये कागज जरूरी उसमें डालना सुरक्षित होगा? सुरक्षित एकदम सेफ, पर हाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसकी टेंशन मत लो आप काका, सारे डॉक्यूमेंट में फटाफट बंदोबस्त करता हूँ, मतलब हो जाएगा ना तुम्हारा काम, यूं हो जाएगा। कियारा ने तो कहा था कि इन्वेस्टर से मीटिंग करते ही फोन करेगी, तो फोन क्यों नहीं आया उसका?
हाँ कियारा, हेलो हेलो, प्लीज 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 गिव अस सम गुड न्यूज कियारा, क्या कहा इन्वेस्टर ने? हेलो कियारा, यू देयर? हमारी फंडिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। इन्वेस्टर का ये कहना है कि वो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिन पे इतने बड़े लॉस का भार हो। अब क्या करें? वही जो तुमने सजेस्ट किया था, मैं परसों मुंबई वापस आ जाऊं। आगे क्या करना है ये मिलके डिसाइड करते हैं। ओके। ये क्या है? वही जो आप सोच रहे हैं, टर्मिनेशन लेटर्स। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। आप उनके सीनियर हैं राजेश भाई, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा और टाइम दो, कोई और रास्ता? रास्ते एक एक करके सारे बंद हो चुके हैं राजेश भाई, यू नो दैट। ऑपरेशनल लेवल पे भी कॉस्ट कटिंग करके देख लिया आपने, पर आप भी ये जानते हैं कि उसका रिजल्ट नेगेटिव था। प्लीज प्लीज डू द नीडफुल ASAP। बंधु, तुम्हें पता है लोगों को नौकरी से कैसे निकालते हैं? क्या तुम्हें पता है कि कोर्ट केस कैसे लड़ते हैं? मुझे कैसे पता होगा, मेरी नौबत ही नहीं आई कोर्ट में जाने की। किसी को नौकरी से निकालने की कहां नौबत आई है मुझे? आई नो आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा ना राज। तुम इस बारे में इमोशनल होकर नहीं सोच सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब राज। पापा कहते हैं ना कि काम जज्बात के साथ करो, जज्बात ही होकर नहीं, वही फॉलो करो। तुम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं कर सकते। वही तो ना, चंदू मार्फत या दासानी के साथ कभी कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी ही नहीं, जैसे यहाँ हर्षद भाई रखू भाई उसी तरह। E2P Max भी एक परिवार है। ऐसे कैसे बोल दूं उनको जी? तो बचपन से सिखाया गया है कि अगर आपकी थाली में एक ही रोटी है ना, तो किसी जरूरतमंद के साथ जरूर बांटना। इसी माइंडसेट, इसी वैल्यूज, इन्हीं संस्कारों के साथ हम बड़े हुए हैं। तुम तीनों को कल ये कह देना कि को नौकरी से मतलब उनकी रोटी छीनने जैसे ही है ना। मुश्किल है राज, करना तो पड़ेगा। प्लीज इसमें अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारे ऑफिस के हालात ही ऐसे हैं ना कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे राज। बाय द वे, कल कोर्ट हियरिंग है, रमन खुराना वर्सेस वंदना वागले।
कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है राजा। बस प्रे करते हैं कि सब ठीक हो। प्लीज सिट। ऑल द बेस्ट। शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, सबसे पहले गोल्ड फ्यूजन मार्ट के सेल्समैन प्रकाश गोड़बोले को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। कौन सा कटघरा? I'm sorry, really sorry. मतलब वो यहां बुलाने की परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। आइए। तो आप अदालत को यह बताइए कि 26 तारीख की दोपहर 3:27 पर आप क्या कर रहे थे? मैं शायद दुकान के बाहर पान खा रहा था। एम झूठ। आप पान खा नहीं रहे थे बल्कि आप चूना लगा रहे थे। मेरी क्लाइंट बहुमुखी प्रतिभा के धनी परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वंदना देवी को मालोट 26 तारीख की दोपहर 3:27 पर जब मेरी क्लाइंट बहुमुखी प्रतिभा की धनी परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी। एक सेकंड, आप जब जब अपनी क्लाइंट का नाम लेंगे तब तब क्या आप ये परम पूजनीय सन्नारी बहुमुखी वगैरह ये हर बार बोलेंगे क्या? जी मालोट। प्लीज ऐसा मत कीजिए, स्टेनोग्राफर को टाइप भी करना होता है। ओह, I'm really sorry. तो माय लॉर्ड, 26 तारीख की दोपहर 3:27 पर मेरी क्लाइंट वंदना वागले जब खुराना के स्टोर में पहुंची तो उन्होंने वहां से 5 किलो आलू, 3 किलो चावल, 2 किलो टमाटर, 1/2 किलो पनीर, 50 ग्राम राई। जोशी पिताजी, प्लीज ये डिटेल्स रहने दीजिए, मुद्दे पे आइए। I'm really sorry. मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। और माय लॉर्ड, मुद्दा ये है कि जब मेरी क्लाइंट वंदना वागले ये सारा सामान लेकर बिलिंग काउंटर पे पहुंची तो वहां ये महानुभाव मिस्टर प्रकाश गोड़बोले बिलिंग कर रहे थे। माय लॉर्ड, अक्सर मेरी क्लाइंट वंदना वागले जब भी मार्केट जाती है तो अपने साथ कपड़े का कैरी बैग थैली हमेशा साथ लेकर जाती है और उस दिन वो जो थैली है वो उन्हें मिल नहीं रही थी तो इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर प्रकाश गोड़बोले ने थैली ना लाने के लिए मेरी क्लाइंट को ताना मारा। मिस्टर प्रकाश गोड़बोले ने अपने दुकान की थैली मेरी क्लाइंट वंदना वागले को जबरदस्ती उनसे बिना पूछे उनके हाथ में थमा दी। थमाई तो थमाई, इन्होंने उसके पैसे भी लिए। मिस्टर प्रकाश गोड़बोले, जब मेरी क्लाइंट ने आपसे थैली मांगी ही नहीं थी तो आपने किस हक से उस थैली को बिल में ऐड किया? माय लॉर्ड, कस्टमर किसी भी ऐसी चीज के पैसे नहीं देगा जो वो खरीदना चाहता हो। इट्स अ क्लियर केस ऑफ फर्स्ट परचेजिंग। मेरी यमोती तालियां बजाती। डिफेंस। माय लॉर्ड, यहां पे मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, फोर्स एंड परचेसिंग। आइए हम इन 2 शब्दों को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स यानी कि जबरदस्ती और परचेसिंग मतलब खरीदारी। यहां पे इनका यह कहना है कि अक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को जबरदस्ती थैली खरीदने के लिए मजबूर किया। राइट। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप इसे ठीक से देख लीजिए। ये
ये चार फोटोग्राफ्स में से तीन फोटोग्राफ्स में वॉल पे क्लियरली साइन बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कैरी बैग्स आर चार्जेबल। अब हम जनता को इतना क्लियरली इत्तला कर रहे हैं दैट कैरी बैग्स आर चार्जेबल, हम उनके पैसे लेते हैं, ये क्या जबरदस्ती हुई? अब हम कस्टमर को पकड़ पकड़ के थैली थमा तो नहीं रहे थे ना? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस लिए? वो डिफेंस के पॉइंट से मेरा केस कमजोर पड़ रहा है माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।